किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं। ये कोई नई रेसिपी नहीं है, सबके लिए पुरानी रेसिपी होगी, लेकिन ये मेरी माँ की रेसिपी है, तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं इसको। तो आज मैं चलिए आप लोगों को ये बताते हैं, चावल की रसमलाई। ये मैंने लिया हुआ, इसका देखिए सामान क्या क्या है। पका हुआ चावल एक कटोरी, आधी कटोरी खोया, आधी कटोरी शक्कर, एक कटोरी घी। घी और रिफाइंड कुछ भी आप ले सकते हो, वैसा यहाँ मैंने घी लिया है। और ये इलायची पाउडर है, ये केसर लिया है हमने, दूध में भिगो लिया है ताकि अच्छे से इसके कलर आ जाए। और ये थोड़ा सा पनीर लिया हुआ, बाकी मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश। और मैंने ये आधा लीटर दूध लिया है। दूध को मैं गैस पर चढ़ा दूँगी जो वो पकता रहेगा, जब तक तक मैं ये सारी तैयारी करूँगी। अब ये मैं सारे ये चावल और पनीर को मैं मिक्सी में डाल के एक साथ पीस लेती हूँ। चावल पका हुआ और बढ़िया सूखा हुआ होना चाहिए ताकि चिपके ना, नहीं तो एकदम से चिपक जाएगा तो फिर आप लोग उसको जो है उसकी गोली नहीं बना पाएंगे। ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये पीसने के बाद इस तरह से हो जाएगा। मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से पीस लिया है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला के एक साथ आप पीस लीजिए, पीस के ये आपको तैयार हो जाएगा। इसमें तैयार ले, इसमें थोड़ी सी जो है इलायची पाउडर आप डाल देंगे इसको अच्छे से। और ये खोया है, ये खोए को भी इसमें थोड़ा सा आप डालेंगे। ये खोया जो है अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा इसमें, ये बढ़िया से सारे जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप खोया को, क्योंकि इसकी मैं स्टफिंग करूँगी। ये इसके अंदर जब इसको डालते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है इसका स्वाद, इसलिए इसको जो है अच्छे से मैं इसमें जरा सी शक्कर डाल दूँगी, थोड़ा सा एक चुटकी शक्कर, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर इसको जो है अच्छे से मैं बना लूँगी अच्छे से, ऐसे करके ये छोटी छोटी गोलियाँ इसकी बना लूँगी मैं, ताकि इसको भरने में आराम रहे। फिर सारी गोलियाँ बना ली हमने, गोली बना के इसको हमने सारे रख लिया। अब ये इसको अच्छे से जो है हमको मिक्स करना है ताकि पनीर और चावल जो है अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर इसको आप जो है थोड़ा सा पानी या घी जो भी आपको वो लगा के अच्छे से आप कर सकती हैं। इसमें तो मैंने पानी लगाया है इस समय ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। अब इसकी हम जो है सारी गोलियाँ बनाएंगे इस तरह से, और इस गोली को ले के इसमें इस तरह से भर देंगे इसको जो है इस तरह से, एक एक गोली बनाएंगे अच्छे से इसको ऐसे करके। ये गोलियां बनानी इससे आसान रहता है, इससे सब फैलता नहीं है, नहीं तो अगर आप गोलियां नहीं बनाएंगे तो ये फैल जाएगा। तो ये अच्छे से जो है इस तरह बना के आप रख लीजिए। ये सारी गोलियाँ देखो, गोलियाँ बन के तैयार हो गया है और मेरा दूध भी जो है उबल गया है। अब हम जो अपने दूध के पास सकते हैं उसमें जो है घी का कढ़ाई चढ़ाते हैं और घी से तलते हैं। ये दूध चढ़ा दिया है, दूध पक के तो आधा हो गया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब कढ़ाई में जो है घी डालना है इसमें। ये मैं इसमें जो है घी डालती हूँ। हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और ये जो है सारी गोलियाँ एक एक करके, वो बहुत धीमी धीमी आंच पे डालना है, एकदम धीमी धीमी आंच पे, और दो दो चार चार ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। एक साथ हम सही गोलियाँ डालेंगे तो वो चिपक जाएगी और चिपक के फट जाएगी, इसलिए जो है आप धीमे धीमे एकदम गैस जो एकदम धीमी होनी चाहिए गैस को। तल के तैयार हो गया, इस तरह से हमको तलना है। तल के हमने ये रख लिया, ये दूध बॉयल हो रहा है, इसमें हम थोड़ा केसर जो भिगो के रखे हैं इसको कलर के लिए, इसको मैंने केसर डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें, और इसमें थोड़ी सी इसमें जो है थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे बस। इसको करके ऐसे चम्मच से चलाएंगे, तो चला दिया। और फिर इसको जो है ये दूध गाढ़ा हो गया है, इसको हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद ही इसमें बॉल डालना है। अब ये गरम गरम दूध में ही इस बॉल को डालना है, इस बॉल को मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद ही इसमें शक्कर डालना, शक्कर पहले नहीं डालना, क्योंकि अपने यहाँ लोग बुजुर्ग कहते थे ना खीर बनाते समय उसमें शक्कर बाद में डालो, पहले डालोगे तो वो चावल जो है
अच्छे से पकता नहीं था, इसलिए इसमें भी जो है आप पिसी शक्कर या खड़ी शक्कर जैसी मन करे वैसी ले सकती हैं। वैसे यहाँ मैंने पिसी शक्कर ली है, आपकी इच्छा हो तो आप खड़ी, क्योंकि उसमें गल जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। अपने स्वाद के अनुसार आप जो है उसमें शक्कर डाल दीजिए। शक्कर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए इसको जो है ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो गया, 5 मिनट बाद ये अच्छे से जो है फूल जाता है। ये देखिए, देखिए कितनी बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया रसमलाई बनी है। आप इसको ठंडा करके या गर्म करके जैसी इच्छा हो, ये देखिए। इसके अलावा इसमें जो है बढ़िया से आराम से आप जो है डाल के सर्व करिए, अपना खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए अच्छे से। रसमलाई बन के तैयार हो गई। अब इसमें आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, अपनी इच्छा के ऊपर है, आप जैसी मर्जी आप ड्राई फ्रूट डाल के आराम से सर्व करिए। ये मेरी रसमलाई, चावल की रसमलाई मेरी तैयार हो गई। आप खाइए और खिलाइए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी मर्जी। जो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है।